नमस्कार, ट्विन वन अनकंडीशनल चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और ईश्वर से हर वक्त किसी ना किसी माध्यम से जुड़े हुए होंगे। आपके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं और मैं आप लोगों के कमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आपके क्वेश्चंस का सही सही आंसर दे पाऊँ। जो गाइडेंस मुझे मिलती है मैं वही आपको प्रोवाइड करती हूँ। आज भी मैं आप लोगों के मैसेजेस के ऊपर ही वीडियो बना रही हूँ, जिसमें आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने सिर्फ कुछ ही व्यूअर्स के क्वेश्चंस लिए हैं जो मुझे लगा कि मुझे पब्लिकली इनका आंसर देना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, YouTube पर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर दी गई है, ये सेशन वो सेशन, ये हीलिंग वो हीलिंग, मैं किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, मुझे लगता है कि बस लोग अलग अलग तरीके से अपनी बातें कहते हैं। ये एकदम सही बात है, YouTube पर बहुत सारे चैनल्स हैं और वो सभी इस ट्रेन जर्नी को कंप्लीट कराने की कई लोग तो गारंटी भी देते हैं और कई लोग सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस देते हैं, जैसे कि मैं। YouTube में वास्तव में कुछ चैनल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और उनकी गाइडेंस एकदम एक्यूरेट है, लेकिन सभी अच्छे हैं मैं ये नहीं कह सकती। सभी का अपना एक तरीका है अपनी बात को रखने का, कुछ लोगों के लिए ये प्रोफेशन है, वो अपनी सालों की साधना के बाद इसे एज ए प्रोफेशन लेते हैं। जो लोग एज ए प्रोफेशन लेते हैं वो अपनी इस साधना से अपनी अर्निंग करते हैं। मैं किसी को सही या गलत नहीं कहना पसंद करती, क्योंकि मेरा ये मानना है कि गलत कुछ भी नहीं होता। अगर गलत कुछ भी नहीं है और सही को भी अगर मैं कह रही हूँ कि गलत को भी मैं अगर कह रही हूँ कि सही तो सही है और गलत भी सही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। राम और रावण की कहानी सभी लोगों ने सुनी है और ज़्यादातर लोगों को राम पसंद है। राम की पर्सनालिटी से सभी खुश होंगे, लेकिन मेरा आप लोगों से सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि अगर रावण नहीं होता तो क्या आप राम को पहचान पाते। दोनों ने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया। रावण इतना ज्ञानी इंसान, इतना ज्ञानी होने के बावजूद भी उसने ऐसी हरकत या ऐसे कार्य किए कि राम के हाथों मारा गया। क्या वास्तव में वो राम के हाथों मारा गया था या उसने स्वयं ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की कि हाँ ये दिन भी आए। और अगर पूरी रामायण आप उठाकर देखेंगे या किन्हीं भी ग्रंथों को आप उठाएंगे, वहाँ पर आपको एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी और एक नेगेटिव पर्सनैलिटी ज़रूर मिलेगी। मेरा ये मानना है जितना इम्पोर्टेंट पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव भी है, जितना इम्पोर्टेंट डे है उतना ही नाइट भी है, क्योंकि बिना रात के दिन का कोई औचित्य नहीं है। और दिन की पहचान तभी होती है जब हम
रात से गुजर कर आते हैं। जब रात भर सूरज नहीं होता और सुबह हमें सूरज देखने को मिलता है तो कितना खूबसूरत लगता है। ऐसे ही जिंदगी को उस खूबसूरत सर्कल या साइकिल की तरह लेना चाहिए जिसमें दोनों अपना अपना पार्ट बहुत अच्छे से निभाते हैं। ऐसे ही इन यूट्यूब चैनल्स में हैं, सभी ने अपनी बात को कहने की कोशिश की है, जिसको जैसे समझ में आया उसने वैसे ही कहा है। मेरे चैनल पर मैं कोशिश ये कर रही हूँ, जो गाइडेंस मुझे मिल रही है मैं उसी के अकॉर्डिंग ही इस चैनल पर वीडियोस बनाकर डालती हूँ और डाल रही हूँ। जो जिस इनर वर्क को या जिस साधना को मैंने सालों में तप करके धीरे धीरे प्राप्त किया है या जिस साधना को मैं अभी भी कर रही हूँ, जिस लर्निंग प्रोसेस में मैं हूँ, जो मुझे प्राप्त हुआ है, मैं उसका कोई चार्ज लेना नहीं चाहती, कोई फीस लेना नहीं चाहती। पहले भी किन्हीं ने मुझसे, किन्हीं व्यूअर की मेरे पास मैसेज आया था कि आप लोग फ़ोन पर बात क्यों, आप फ़ोन पर बात क्यों नहीं करते हो। तो मैंने उस टाइम कहा था कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे मैसेज के थ्रू या मेल के थ्रू कीजिए, क्योंकि मेरा टाइम बहुत प्रीशियस है। मैं अपनी नॉलेज के पैसे नहीं लूँगी, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है, गॉड मुझे दे रहे हैं, वो मेरे लिए नहीं है, सबके लिए है। लेकिन अगर कोई पर्सनली मुझसे फ़ोन पर कांटेक्ट करेगा या करना चाहेगा, इसीलिए मैंने अपना फ़ोन नंबर प्रोवाइड नहीं किया है, तो उसके चार्ज हैं, क्योंकि वो मेरा पर्सनल टाइम उसमें जाएगा। वो टाइम या तो मैं अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए या जो भी मुझे कार्य करना है उस कार्य के लिए खर्च करूँगी। और उस टाइम को अगर आप मुझसे अपने कामों के लिए यूज़ कराना चाहोगे या मुझसे उस टाइम में अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मांगोगे, तो उसके लिए, उस टाइम के लिए मैं चार्ज पे करूँगी, अपनी नॉलेज के लिए नहीं। अब मुझे ये सही नहीं लगता, या कह लो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, या मेरा अंदर से मेरी अंतरात्मा नहीं मानती। इसीलिए जो नॉलेज मैं आपको विदाउट एनी कॉस्ट, बिना एक भी रुपया लिए, इन वीडियो के माध्यम से शेयर कर रही हूँ, वही अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में मेडिटेशन के रूप में आपको दिया जाता है। ये जर्नी एक लंबा प्रोसेस है, ये एक दिन में कंप्लीट नहीं होती, 2 दिन में कंप्लीट नहीं होती, साल में नहीं होती, 2 साल में नहीं होती। ये लाइफ का लर्निंग प्रोसेस है। सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प के लिए ये वीडियोस बनाकर डाली जा रही हैं, जिससे कि जो प्रॉब्लम्स मुझे आई वो आपको ना आए, जितनी कंफ्यूज मैं रही आप लोग ना रहें, जितना मेंटल प्रेशर जिसकी वजह से मेरे पर्सनल रिलेशंस भी गड़बड़ हुए, वो सब आपके साथ ना हो। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि मैं स्टार सीड हूँ, स्टार सीड्स के क्या साथ क्या होता है। स्टार सीड हूँ, ओल्ड सोल हूँ, और ऊपर से मैं ट्विन हूँ, तो वो जो एनर्जी है, वो जो मेरे लाइफ, पास्ट लाइफ्स के जो एक्सपीरियंसेस हैं, अगर पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस मुझे याद आते हैं मेमोरीज में, तो विविड ड्रीम्स के थ्रू अजीबोगरीब सपने, और मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ उन सपनों को लेकर। मैं कई कई दिनों तक परेशान रहती हूँ, या मैं कहूँ कि मैं रहती थी। अब उन सपनों के अर्थ निकालना और समझना धीरे धीरे मैंने सीख लिया है। ईश्वर ने इतनी कृपा की है कि अब वो उनके मीनिंग्स समझा देते हैं। लेकिन जब तक मुझे ये नहीं आता था, मैं कितना परेशान रहती थी। अचानक बिना किसी रीज़न के मुझे रोना आता था, मेरे
फैमिली वाले, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हों या मेरे हस्बैंड हों, वो मुझसे पूछते थे कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो। मैं उनको क्या रीज़न बताऊं जब मेरे पास कोई रीज़न है ही नहीं। और सीरियसली मेरे पास कोई रीज़न नहीं होता था परेशान होने का या रोने का या दुखी रहने का। अब मैं जानती हूँ क्यों, क्योंकि मैं अपने ट्विन से कनेक्टेड हूँ, अपनी हाफ सोल से। तो जो हाफ सोल फील करती है वही मैं भी फील करती हूँ। हालांकि हम ये बातें जानते नहीं हैं कि हम कैसे एक दूसरे की एनर्जी को पिक कर लेते हैं, फिर हमें पता भी नहीं चलता, हमें कोई दिखता भी नहीं है, कोई रीज़न भी नहीं पता होता, फिर भी हम रोते हैं, परेशान होते हैं। अब बताइए इन प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन है? बॉडी में अचानक पेन होना, प्रॉब्लम्स होना, और जब उनको डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाया जाए तो कोई भी डिजीज़ डायग्नोज ना हो पाना, किसी भी बीमारी का पता ना लग पाना। और साथ ही साथ कई बार ऐसी बीमारियां जिनके ट्रीटमेंट सालों सालों कराते रहो लेकिन उसके बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं। तो ऐसी बहुत सारे एक्सपीरियंस हम इस जर्नी में, इस लाइफ में करते हैं जिनके आंसर्स हमारे पास नहीं होते, और इन सभी के आंसर्स हमें सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन में जाने पर मिलते हैं। और हम उन जो आंसर्स मिलते हैं वो चीज़ करते हैं और फिर वो प्रॉब्लम जो है हमारी वो सॉल्व हो जाती है। और इन्हीं सॉल्यूशंस को मेडिटेशन में सेशंस का नाम या मेडिटेशंस का नाम दिया गया है। मेडिटेशन कोई डिफरेंट डिफरेंट नहीं होते, मेडिटेशन सिर्फ एक ही प्रोसेस है। उसी प्रोसेस में आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से निकल कर जाते हैं, और लोगों ने उन्हीं स्टेजेस के हिसाब से जो एक्सपीरियंस लिए, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कैसे उन्हें मिले, उन्हीं को मेडिटेशंस का नाम देकर अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आपको इनर वर्क के रूप में प्रोवाइड किया है या कर रहे हैं। अब उन्हें लगता है कि उन्हें उनका चार्ज करना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि ईश्वर ने ये मेरे ऊपर कृपा की है, मुझे ये नॉलेज दी है, और इस नॉलेज से अगर मैं बाकी लोगों को फ़ायदा पहुंचा पाऊँ, मेरी इस नॉलेज से बाकी लोगों को लाभ हो, उनकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं, तो जितनी खुशी, जितना आनंद मैंने प्राप्त किया, उतनी ही खुशी, उतना ही आनंद वो भी प्राप्त करेंगे। क्योंकि हम सब एक ही हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, हम अलग नहीं हैं। और जो वननेस की फीलिंग मैंने फील की या मैं फील कर रही हूँ, वो ही उन सभी ट्विन्स को भी होनी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें गाइडेंस सही से नहीं मिलती तो हम उन सब एक्सपीरियंसेस को समझ नहीं पाते। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं यही दूंगी कि वो लोग अपने तरीके से इसको चार्ज करके आप लोगों को सिखा रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबके एक्सपीरियंस एक जैसे हों। जिसने जो एक्सपीरियंस किया उसने उसको उसी को अपने इनर वर्क बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड कराया है या करा रहे हैं। मैं ये जानती हूँ इस जर्नी में कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशन सेम सेम होते हैं, क्योंकि एक मेडिटेशन एज अ मेडिसिन काम करता है और धीरे धीरे एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक लेकर जाता है। तो इसीलिए जहाँ आपको सही लगता है और आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपके पास हैं, मिल रहे हैं, उस चैनल की वीडियोस को देखकर आप अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पा रहे हो, और आपको बिल्कुल कोई भी आत्मग्लानी नहीं है, आप खुशी खुशी उसकी एनर्जी से मैच करते हो, आप बेशक उस चैनल को देखो, सब्सक्राइब करो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ये एनर्जी मुझे मैच नहीं कर रही, मुझे इससे आत्म शांति नहीं मिल रही, आप उस चैनल को अवॉइड करो।
अभी आपके ऊपर है कि सामने आपके लिए बहुत सारा सामान रखा हुआ है, आपको कौन सा सामान यूजफुल लग रहा है आप उसे अपने लिए लेना पसंद करो। गार्डन में बहुत सारे फूल हैं, आप फूल खरीद के लेना पसंद करना चाह रहे हो या अपने लिए खुद फूल उगाना चाह रहे हो? मेरे चैनल के माध्यम से आपको एक छोटे से बीज को सींच सींच कर उसे पौधा बनाकर या कहें कि पेड़ बनाकर उसमें फूल और फल लगाने की लर्निंग प्रोसेस सिखाया जा रहा है। अब आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आप अपने आप अपने लिए एक बहुत खूबसूरत गार्डन बनाना चाहते हैं या फिर टेम्परेरी मार्केट में जाकर एक गुलदस्ता खरीद के लेकर आना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाकी सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने मेरे इन वीडियोस को सराहा है, दिल से उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे एक और क्वेश्चन है, मैम क्या हम अपने चक्रास के मेडिटेशन बिना गुरु के ही कर सकते हैं? क्या गुरु हम खुद से डेली 20 मिनट्स नहीं कर सकते? इसी चीज़ के लिए मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, अप दीपो भवा। आप ये बताइए कि जो चक्र मेडिटेशन मुझे सिखाया गया या बाकी और जो लोग अपने एक्सपीरियंसेस वीडियोस के थ्रू डाल रहे हैं या इनर वर्क बता रहे हैं उनको सिखाया गया, तो उनको किसने सिखाया? ईश्वर ने ही तो सिखाया है, ये नेचुरल प्रोसेस है जो आपकी बॉडी में आपके साथ हुआ है। तो अगर आप ईश्वर को अपना गुरु मानते हो तो वो आपको क्यों नहीं सिखाएंगे? बिल्कुल सिखाएंगे। हाँ, मुझ जैसे जो गाइड हैं, जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंस की चक्रा मेडिटेशन में हमने कैसे एक्सपीरियंस किया वो अपने एक्सपीरियंस बताकर आपको गाइडेंस दे रहे हैं। अब आप देखो उनकी गाइडेंस आपको कितनी अच्छी लग रही है। हाँ, ये सच बात है कि इस जर्नी में चक्रा मेडिटेशन होता है, कंपलसरी है, लेकिन वो अपने आप होने वाला प्रोसेस है। आप इसको इस तरीके से जान सकते हो कि जब आप स्कूल में एक बार एडमिशन ले लेते हो और स्कूल की गाइडलाइंस फॉलो करते हो, तो आप नर्सरी से लेकर 12th पास कर कर ही स्कूल से निकलोगे ना। अगर आपकी इच्छा है कि हाँ आप पूरा उस कोर्स को कंप्लीट करो, आप बीच में छोड़ दोगे तो वो आपकी मर्जी है, और अगर नहीं छोड़ोगे, कंटिन्यू करते रहोगे, तो आप उसे कंप्लीट कर पाओगे। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? स्कूल में बने रहना। ठीक ऐसे ही आपकी ये जो जर्नी है, इसमें मेडिटेशन स्कूल का रोल प्ले करता है कि आप जैसे स्कूल में एक बार एनरोल होते हो, सेम ऐसे ही जब एक बार आप मेडिटेशन में आते हो और उसको कंटिन्यूटी में रखते हो, तो अपने आप स्टेप बाय स्टेप वो सारे प्रोसेस आपके साथ होंगे जो हम लोगों के साथ हुए हैं। चाहे वो चक्र बैलेंसिंग हो, एनर्जी बैलेंसिंग हो, शील्ड्स हो, ये सारे प्रोसेस आपके साथ भी होंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों की विल पावर बहुत स्ट्रोंग होती है, जैसे कि मेरी। जिन लोगों की विल पावर बहुत स्ट्रोंग होती है, वो अपने इसी इनर वर्क को बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, और जिन लोगों की इनर स्ट्रेंथ जो होती है या विल पावर जो है वो स्ट्रांग नहीं होती, वो एक लूप में फंस कर रह जाते हैं। तो ये जो गाइडेड चैनल्स हैं वो आपको एक तरीके से उस लूप से बाहर आने का रास्ता दिखाते हैं। अगर हम लूप में फंस जाते हैं तो बहुत टाइम लगता है उस लूप से बाहर निकलने में। इसीलिए कहा जाता है कि किसी ना किसी को गुरु बनाओ। अगर आप फिजिकल फॉर्म में जिसको गुरु बनाते हो,
तो वो आपको गाइड करता है, आपकी सोल के साथ उसका कनेक्शन हो जाता है। पर मेरी सोच अलग है, मेरा ये मानना है कि मेरा सोल पर्पस ये है कि मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले से कनेक्ट करने का रास्ता दिखाऊंगी। मेरे पास वो माध्यम है जिस माध्यम से आप ऊपर वाले से कनेक्ट हो जाएंगे और आपकी लाइफ में वो सारे प्रोसेस इजी वे में होंगे जो इस जर्नी में कंपलसरी हैं। मुझे यही गाइडेंस है कि मैं आपको गाइड करूं कि आप अपने इनर वर्क को अच्छे तरीके से कंटिन्यूटी में करें। और जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, मैं अपना पूरा इनर वर्क अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको वीडियोस में शेयर कर रही हूँ। आप एक एक वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए, देखिए और देखिए आप कौन सी स्टेज में हैं। मैं कोशिश करूँगी कि अपनी हर वीडियो में मैं ये बोलूँ कि मेरी वीडियोस जो भी फर्स्ट टाइम सुन रहा है वो पहले फर्स्ट वाली वीडियो ज़रूर सुने, जिससे कि वो अपनी एनर्जी चेक कर ले कि उसकी एनर्जी मुझसे मैच करती है या नहीं। अगर मैच करती है तो ही वो इस चैनल को लाइक करे, अगर मैच नहीं करती है तो वो इस चैनल को लाइक ना करे। यही रिक्वेस्ट मैंने बार बार की है। अब आपके ऊपर है कि आप कैसे इस प्रोसेस को करना चाहते हो। वैसे तो मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस में चक्रास के बारे में बता चुकी हूँ, लेकिन अभी जो नेक्स्ट वीडियो मैं डालूँगी वो मैं चक्रा मेडिटेशन के ऊपर ही डालूँगी। लेकिन एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि चक्रा मेडिटेशन कुछ अलग से नहीं होता। जब हम मेडिटेशन में आते हैं तो ये सारे प्रोसेस हैं, सीढ़ियाँ हैं जो हम एक के बाद एक के बाद एक चढ़ते हैं। उसमें से जो चक्रा मेडिटेशन है वो भी एक सीढ़ी है और वो भी उस प्रोसेस के थ्रू ही होनी चाहिए। आप ये नहीं कर सकते आप पहली सीढ़ी के ऊपर चढ़ेंगे और एकदम से 11वीं सीढ़ी पर अपना पांव रख देंगे, ऐसा नहीं होता। ये जर्नी एक प्रोसेस है और आपको सभी को सेम वैसे ही उसी प्रोसेस के थ्रू ऊपर जाना है। हाँ, ये फ़र्क हो सकता है कि कोई धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ेगा तो उसे टाइम लग जाएगा और कुछ कोई तेज़ी से सीढ़ी चढ़ेगा, लेकिन सबको उसी प्रोसेस के थ्रू ही आगे बढ़ना है और हर कोई उसी प्रोसेस से आगे बढ़ेगा। अगर आप उस प्रोसेस को तोड़ते हैं तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है। आप सोचो ज़रा, पहली सीढ़ी से जंप करके अगर 5वीं सीढ़ी पर जाओगे तो खतरा क्या है कि आपका पाँव फिसल सकता है और आप नीचे जा सकते हो, आपको चोट लग सकती है। सेम ऐसा ही मेडिटेशन में भी है कि आप उस सीक्वेंस को तोड़ नहीं सकते हो। इसीलिए आपको ये जो मेडिटेशन है वो सीक्वेंस में ही करना है। और सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होता है? आपकी ब्रीथिंग प्रोसेस से, कि आपको गहरी गहरी सांसें लेनी हैं और छोड़नी है। बस अपनी सांसों पर ही ध्यान देना है। उसके बाद ईश्वर अपने आप आपको अपनी शरण में ले लेता है और वन बाय वन आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ाता जाता है। आप सिर्फ अपने प्रोसेस चेक कर सकते हैं कि आप कौन से प्रोसेस में कहाँ तक पहुँचे हैं और इस प्रोसेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके सॉल्यूशन क्या क्या मिलते हैं। ये गाइडेड वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको गाइडेंस के लिए मिलती हैं और ये इसीलिए बनाई भी जाती हैं। आने वाले समय में आप में से भी कुछ लोग ये वीडियोस बनाएंगे जो अपना इनर वर्क जितनी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, अगर उन्हें ये सोल पर्पस मिला है तो। अगर उनको सोल पर्पस ये मिला है कि वो भी अपने जो ईश्वर से ज्ञान मिल रहा है उसके लिए कोई चार्ज पे नहीं करना चाह रहे, तो वो फ्री में अपने एक्सपीरियंस ऐसे ही वीडियो के थ्रू बना बना कर डालेंगे। और अगर किन्हीं को ये लगेगा कि नहीं, हमें इसका चार्ज लेना चाहिए, हमने इतनी मेहनत की, हम फ्री में क्यों दें, तो वो आपसे चार्ज लेंगे।
आई होप सो आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए हैं और जो आप समझना चाहते हैं वो समझ गए हैं। आप लोगों से दोबारा मेरा अनुरोध है और हार्दिक अनुरोध है, दिल से मैं ये अनुरोध करती हूँ कि किसी भी चैनल के द्वारा बताए गए इनर वर्क को करने से पहले वो जो आपके अंदर ईश्वर बैठा है, आप उससे कनेक्ट होइए, उससे पूछिए क्या ये जिसको जिस भी गाइड से मैं गाइडेंस ले रही हूँ, गुरु तो देखो एक ही है और वो है ईश्वर परमात्मा, गुरु तो वही है। आप इधर उधर कितने भी गुरु ढूंढो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। अगर ईश्वर को गुरु बनाओगे तो आप अंदर आत्मिक शांति महसूस करोगे, वो प्रेम, वो ब्लेसिंग्स, वो कनेक्शन। यहाँ एग्जाम्पल मैं दूंगी कान्हा का, कि कान्हा के साथ सभी गोपियाँ एक एकदम अलग कनेक्शन फील करती हैं, वो और किसी के साथ किसी भी भक्त का कनेक्शन उन्होंने फील नहीं किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि गोपियाँ कान्हा से शादी करना चाहती थीं, जी नहीं, वो एक आध्यात्मिक प्रेम है, अनकंडीशनल लव, उसको आप किसी से जोड़ नहीं सकते, उसको कोई नाम नहीं दे सकते, बस वो तो है, प्यार है तो है, क्यों है किस लिए नहीं पता। तो वही कनेक्शन आप अपने गुरु से, अपने परमात्मा से बनाइए, उनसे पूछिए कि हाँ मैं किस, ये जो गाइडेंस मैं इस गाइड से ले रहा हूँ मेरे लिए सही है, और मैं 110% श्योरिटी देती हूँ जब आप अपने आप से कनेक्ट होंगे तो आपको आंसर बिल्कुल मिलेगा। शुरुआत में हो सकता है जब तक आप उस स्टेज तक ना जाएं जहां आपकी ईथर लैंग्वेज या लाइट लैंग्वेज एक्टिवेट हो जाए, उस स्टेज से पहले आपको ड्रीम्स के थ्रू या किसी की बातों में या स्क्रीन पर या कहीं बुक में या किसी यूट्यूब चैनल के कमेंट्स के थ्रू, किसी वीडियो के थ्रू आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। और जब आपकी लाइट लैंग्वेज एक्टिवेट हो जाएगी, आप ईथर लैंग्वेज को यूज़ करना सीख पाएंगे, तो आपको डायरेक्ट गॉड से गाइडेंस मिलनी, स्पिरिट गाइड से गाइडेंस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। मेरी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार से, ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको अपने परमात्म अनकंडीशनल लव के शावर में स्नान कराता रहे और आपको हमेशा अनकंडीशनल लव के फ्लो में सराबोर रखे। आप इस अनकंडीशनल लव की स्टेट तक पहुँचें, इस वननेस को फील करें और आपको भी वो आनंद प्राप्त हो। आप ये जानें कि हाँ हम सब एक ही हैं, जो रावण के अंदर ईश्वर है और जो राम के अंदर ईश्वर है वो अलग नहीं है, वो दोनों ही उसी ईश्वर की ऊर्जा हैं। तो सामने वाले को हमें गलत नहीं कहना है, उसके लिए भी हमें अनकंडीशनल लव सेंड करना है, उसको भी वो जैसा है वैसे एक्सेप्ट करना है और कोशिश ये करनी है कि हमें किसी के साथ भी गलत नहीं करना है। धन्यवाद।